Today in this period 8B has also joined. Okay, so in this class 8B class we have started parliament, and I think the same chapter is going on in your class also. Clear? So today I will discuss with you functions of parliament. Prior to this, meaning of parliament should be clear to you. The parliament is the organization or a supreme law making authority of the country. Clear? And it has two house, Lok Sabha and Rajya Sabha. So now I will discuss with you functions of parliament. So first function of parliament is to select national government. In this I have discussed parliament ka function kya hota hai. In the elections, all the political parties, they give tickets to different different leaders. And in these elections, whichever political party wins with the maximum number of votes, the leader of that party is declared as prime minister. And other members, जितने भी members हैं, they are called MPs. इनको क्या कहा जाता है? MPs, member of parliament. Then, the leader is invited by the president to become prime minister. और prime minister बनने के बाद prime minister जो है, यानी कि वो अपनी party के जितने भी MPs जो जीते हैं, जो MPs बने हैं, उनको अलग अलग departments देते हैं. For example, education department, ठीक है, defense, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. एंड इस लिस्ट पे फाइनल साइन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के. एंड विद दिस वी कैन से दैट नेशनल गवर्नमेंट इज इलेक्टेड. तो जब भी बच्चे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट जो है वो किस ऑर्गेन का पार्ट है? तो देयर आर थ्री मेन ऑर्गेन. There are three main organs. Three main organs कौन से हैं? Government के three main organs कौन से हैं? ठीक है, और parliament उसमें से क्या है, ये हमने इसमें बताना. ठीक है, three main organs. Legislature, executive and judiciary. So parliament is लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी. लेजिस्लेचर, क्लियर? अब इस लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, ये जो पार्लियामेंट होती है, इसमें टोटल अगर लोकसभा की बात की जाए तो कितने मेंबर्स होते हैं? 545. 545 में से 543 इलेक्टेड बाय द पीपल and two are nominated by the president. ये सारे जो है ये क्या है? MPs, member of parliament. लेकिन सारी parliament, यानी कि total 543 में से elections जब होते हैं, तो elections के बाद 543 में से one prime minister is there. 543 में से prime minister भी MP है, क्योंकि वो भी लोकसभा का member. ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, वो इलेक्शंस में जीत कर आए हैं, इसलिए उनको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करते हैं, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है सारे मिनिस्टर्स. ये भी एमपी, प्राइम मिनिस्टर भी एमपी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एमपी हैं. इसके अलावा लोकसभा में और कौन सी पार्टी होती है? ऑपोजिशन. ऑपोजिशन पार्टी, ये भी एमपी है, लेकिन वो किसी और पार्टी से होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी के नहीं होते. ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो भी मेंबर हैं. तो इसका मतलब अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 545. 543 हैं इलेक्टेड एंड टू आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जब नई लोकसभा बनती है, तो उस नई लोकसभा में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर,
वो भी एमपी है क्योंकि वो भी जीत कर आए हैं लोकसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है जो मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। ऑपोजिशन पार्टी कौन होती है? जो मेजोरिटी पार्टी नहीं होती है लेकिन होते वो भी एमपीज हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल पार्टी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, इनकी पार्टी अलग होती है। ठीक है, सपोज अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो बीजेपी पार्टी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी के हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर जो वो भी बीजेपी पार्टी से हैं, लेकिन ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी हुई? ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी हुई लोकसभा में? यस, ऑपोजिशन में हुई कांग्रेस या और भी बहुत सी पार्टीज हैं। ठीक है, उनके भी एमपी जीते हुए हैं लेकिन नंबर ऑफ एमपीज आर लेस। इस पार्टी के नंबर ऑफ एमपीज जो हैं दीज आर मोर, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट, इनको नेशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो नेशनल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में ही एग्जीक्यूटिव है, इसको क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, जब भी कोई लॉ बनता है तो पूरी लोकसभा उसको लॉ को बनाती है, पास करती, लेकिन फाइनल उसको इम्प्लीमेंट करना या लोगों तक उस लॉ को पहुंचाना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए हाउ एमपीज आर इलेक्टेड, एमपीज को कैसे इलेक्ट करते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर आर इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट करते हैं, या हाउ मेंबर्स ऑफ लोकसभा मींस एमपीज जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है, हमें सबसे पहले अब पता लग गया कि कौन एमपीज होते हैं, लोकसभा में कौन लेजिस्लेचर है, कौन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है पूरी लोकसभा लॉ बनाती है लेकिन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करने का राइट जो है वो किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आपको पता है लोकसभा के पास राइट है, ऑपोजिशन पार्टी के पास पूरा राइट है, दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑपोजिशन पार्टी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अबाउट एनी मैटर, कंट्री के किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जो है वो ऑपोजिशन पार्टी जो है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं वो भी एमपी, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स, इनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके अंडर, तो इनके डिपार्टमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे आर आंसरेबल टू ऑपोजिशन पार्टी एंड दे आर आंसरेबल टू अस, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी जो भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम द पीपल साइड। इट मीन्स जब भी आप बच्चे देखना टेलीविजन में लोकसभा की लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं और उस लाइव टेलीकास्ट में ऑपोजिशन जो है वो क्वेश्चन पूछती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इस तरह से आपने यूथ पार्लियामेंट, मॉक पार्लियामेंट में देखा होगा कि एक तरफ होती है ऑपोजिशन, एक तरफ होती है मेजोरिटी पार्टी, एंड ऑपोजिशन पार्टी कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, और इस तरह से पूरी गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट की जब भी हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लेकिन लोकसभा के अंदर ही क्या होती है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी सेपरेट है, जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है। जुडिशरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशरी जो है बिल्कुल सेपरेट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है, अब द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज, लॉज को बनाना। जब भी सोसाइटी में किसी भी नए लॉ की जरूरत पड़ती है तो लॉ बनता है, और लॉ बनने के लिए उस लॉ को अलग अलग स्टेजेस से पास होना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि बिल ऐसे नहीं बन जाता, लॉ ऐसे नहीं बन जाता, उस लॉ को प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत से स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है। इसके लिए स्टेज क्या होती है? थ्री स्टेजेस होती हैं बेटा, थ्री स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। क्या होती है फर्स्ट स्टेज?
फर्स्ट स्टेज जो होती है इसमें बिल जो है उसकी इंट्रोडक्शन होती है। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोडक्शन, सपोज विमेन के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए कोई भी नया लॉ बनाना, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एमपी या कुछ एमपी मिलकर उस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको उसकी इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि ये लॉ क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अब आए दिन पार्लियामेंट में कितने ही बिल, कितने ही जो है डिस्कशन होती हैं, तो पार्लियामेंट में जो स्पीकर होते हैं ना, इनके हेड होते हैं लोकसभा के स्पीकर, वो क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो भी मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग कमेटीज या ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप, ये ग्रुप फिर उस बिल को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं कि अगर ये बिल लॉ बन गया तो इससे इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर प्रॉपर जो है डिटेल में उसकी प्रॉपर जो है वो चेकिंग की जाती है, और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को देती है और पढ़ के सुनाते हैं कि सपोज अगर ये बिल पास हो जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट होगा, किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है उसमें वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग का मतलब है टोटल कितने मेंबर्स हैं, 545, कितने मेंबर्स उस बिल को यस करेंगे, कितने नो करेंगे। अगर तो यस 2/3 से ज्यादा करते हैं, 2/3 से ज्यादा लोग जो हैं अगर वो यस करें तो बिल जो है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। बिल पास हो जाता है और बिल, पहले वो बिल होता है फिर वो क्या बन जाता है, लॉ। क्लियर। और इसके बाद इस तरह से हम ये पूरी पार्लियामेंट जो है वो ऐसे वर्क करती है, दैट हाउ बिल बिकम अ लॉ। बिल कैसे लॉ बनता है, एक बिल को लॉ बनने के लिए अलग अलग स्टेजेस से निकलना पड़ता है। पहले उसकी इंट्रोडक्शन होती है, फिर उसकी अलग अलग कमेटीज या ग्रुप बनाए जाते हैं, वो प्रॉपरली उसको थॉरो रीडिंग और स्टडी करते हैं, उसके बाद पूरी पार्लियामेंट में बताया जाता है जब भी मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद उसकी वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग टू थर्ड मेजोरिटी में अगर बिल पास हो जाएगा, पर बच्चे यहाँ पर भी नहीं, बिल जो है लॉ तभी बनता है जब बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो, और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट। अब ये भी स्टेप्स याद रखो कि बिल जो है लोकसभा में पास होता है, फिर बिल लोकसभा कहां पे भेजेगी, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा भी तो इंपॉर्टेंट है ना। बिल जो है वो कहां पे जाएगा, राज्यसभा, वहां पे भी वोटिंग करवाई जाएगी, फिर वहां पे पास हो जाने के बाद फाइनली बिल कहां जाएगा, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता। तो अब खुद सोचो हमारी कंट्री में लॉ मेकिंग प्रोसीजर कितना डिटेल, कितना डिफिकल्ट। पहले बिल को लोकसभा में पास होना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट। सो दिस इज द वे हाउ पार्लियामेंट मेक लॉज। पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाती है, आप सब बच्चों को डिटेल में पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ कैसे बनाती है। ठीक है, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, दैट पार्लियामेंट मेक लॉज और ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू कंट्री। क्लियर। हाँ जी, ये है पार्लियामेंट का फंक्शन, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट एंड टू मेक लॉज। दूसरा फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो जब भी मैं एग्जीक्यूटिव की बात करती हूँ तो कौन है एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। अब हमने बताना है कि पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट दोनों ही, लोकसभा राज्यसभा, कैसे
प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो भी बिल पास किए जाते हैं उनके लिए मेजॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है या बाकी जो एमपीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन आवर। ये याद रखो कि जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं उसमें वन आवर इज डिसाइडेड इन विच ऑपोजिशन पार्टी कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। सो दीज आर आंसरेबल एंड इन दिस वे वी कैन से दैट पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स में अगर कुछ भी गलत होता है वट एवर द इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन पार्टी वॉन्ट्स टू टेक दे कैन टेक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। टीवी में जब भी आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो ना, आप देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं या उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में पेपर होता है और उस पेपर में पूरी डिटेल होती है और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में फैक्ट्स बताते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करती है ताकि लोगों को ये पता लगे कि जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है चाहे वो रूलिंग पार्टी है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज और नॉट। सो दिस इज द वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। जब भी एग्जीक्यूटिव की बात आती है तो एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। थर्ड, थर्ड है फाइनेंशियल फंक्शन, मनी से रिलेटेड। मनी से रिलेटेड पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है? यू नो होल ऑफ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय द पार्लियामेंट एंड एक्सपेंडिचर इज प्लान्ड बाय अ बजट। अब ये बजट क्या होता है? ये बजट जो होता है वो एनुअल बेस पे होता है जिसमें गवर्नमेंट एक ईयर यानी कि वन ईयर के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर उसको प्रॉपर प्लान करती है, एस्टीमेट करती है उसको, एस्टीमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज बजट? बजट क्या है? बजट इज द एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर वन ईयर, जिसमें गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम मिलेगी, गवर्नमेंट उसको कहाँ पे खर्च करेगी, वो सारा जो है वो दैट इज अ काइंड ऑफ बजट। तो इंडिया में हर पर्सन को बजट की एक होप रहती है कि बजट में क्या होगा, चीज़ों के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, टैक्स जो हैं वो नए टैक्स लगेंगे या पुराने टैक्स को हटा दिया जाएगा, पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे, एलपीजी के प्राइसेस क्या होंगे। ठीक है, और लोग क्या सोचते हैं कि बजट के आने से उनकी सैलरीज बढ़ेंगे या नहीं, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान लेकर आएगी, इंडस्ट्रीज के लिए लोग जो है गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी। तो हर पर्सन को बजट से ना होप होती और ये बजट कौन प्रिपेयर करवाती है? पार्लियामेंट। बजट जो है दैट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। बजट सबसे पहले कहां पे आता है? लोकसभा। लोकसभा में प्रॉपर बजट को पढ़ के सुनाया जाता है। कौन लेकर आते हैं इनको? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद पूरे बजट के ऊपर वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग का मतलब होता है टू थर्ड, अगर टू थर्ड लोग बजट के लिए वोटिंग कर देते हैं तो बजट जो है वो क्या हो जाता है? पास। लेकिन ये कहाँ पे पास हुआ? अभी लोकसभा में। फिर वो बजट कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में भी फिर सेम प्रोसीजर होगा, वहां पे वोटिंग करवाई जाएगी, वोटिंग के बाद वहां पे भी उसको क्या किया जाएगा? पास टू थर्ड मेजोरिटी से। उसके बाद बजट फिर कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट फिर बजट को क्या करेंगे? साइन। और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद बजट विल बी इंप्लीमेंटेड, दैट विल बी
इम्प्लीमेंटेड। कौन इम्प्लीमेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दिस इज हाउ बजट ऑफ आवर कंट्री इज पास्ड। ये वो तरीका है, मेथड है, जिससे हमारी कंट्री का बजट जो है वो पास किया जाता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी लॉ, चाहे वो ऑर्डिनरी है या मनी से रिलेटेड है या बजट है, उसको अलग अलग स्टेप्स से फॉलो जो है वो निकलना पड़ता है। पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर फाइनल प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता, ना ही बजट इम्प्लीमेंट होता। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टू कंट्रोल फाइनेंस, ताकि मनी जो है पूरा उसका रिकॉर्ड जो है वो पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ताकि मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एमपी मनी से रिलेटेड कोई भी मनमानी ना कर सके। और इसमें कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व। और इनको, इन लोगों को किन्होंने चुनकर भेजा है? वी द पीपल, हमने उन एमपीज को चुन के भेजा है। तो ये एमपीज की ड्यूटी क्या है हमारे लिए? बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, पहले तो मैंने बताया कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर मैंने बताया एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस किया फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, टू अमेंड और चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। एमपीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है किसी पार्ट को चेंज करना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट। अगर कंट्री में किसी भी नए लॉ की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि पुराने लॉ को खत्म कर दिया जाए, उसके जगह नया लॉ बनाया जाए, या किसी लॉ को इम्प्रूव किया जाए, लॉ में चेंज किया जाए, तब भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अमेंडमेंट्स के लिए। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड, मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा की भी, राज्यसभा की। इसका मतलब है आप ये सोचो कि लोकसभा राज्यसभा कंट्री के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी मर्जी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट चेंज शुड बी फेयर। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज है तो फेयर होना चाहिए, वो किसी एक सेक्शन के लिए बेनिफिट में ना हो। क्लियर? इसके अलावा एमपीज जो है किस किस को इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के फंक्शंस क्या है इनके, फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शंस। एमपीज हमारी कंट्री में किस किस को इलेक्ट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा जो है स्पीकर को इलेक्ट करती है, अपने स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। आपने टीवी में देखा होगा जब भी लाइव टेलीकास्ट होता है तो एक पर्सन चेयर पे बैठा होता है और बाकी एक तरफ होती है मेजॉरिटी, एक तरफ होती है ऑपोजिशन पार्टी। तो वो स्पीकर को कौन इलेक्ट करते हैं? जब भी नई लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो 545 मेंबर्स अपने में से किसी एक पर्सन को क्या चुनते हैं? स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना। स्पीकर का काम क्या होता है? हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना, ताकि एमपीज जो हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करें और वो पूरी हाउस की रिकॉर्डिंग्स या प्रोसीडिंग्स या जो भी होता है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करवाते हैं, ताकि कभी भी अगर कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो स्पीकर विल बी एबल टू गिव द इंफॉर्मेशन। क्लियर? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट को, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, इलेक्ट भी करते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं।
रिमूव का मतलब होता है पोस्ट से हटाना, रिमूव. दे कैन इलेक्ट प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, दे कैन रिमूव प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट. इसके लिए भी क्या होता है, हमेशा याद रखना 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड. अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं काम, तो वो वोटिंग करवाते हैं, और इस वोटिंग में प्रेसिडेंट जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है. पर आज तक हमारी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो नंबर वन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज. जस्ट आपने हेडिंग ही नहीं लिखने, आपने उसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करो कि पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाती है. फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज. लॉज कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, कुछ स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, कुछ दोनों के लिए होते हैं. तो हर टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है, पार्लियामेंट. कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, है जो भी आप लिखना चाहते हैं. सेकेंड इज टू कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव. अब मैंने आपको समझा दिया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होता है. तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल करने के लिए एमपीज जो हैं, दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए लोग जो हैं उनको पता हो, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. देन थर्ड, फाइनेंशियल फंक्शन, बजट पास करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि पूरी कंट्री की मनी को कंट्रोल किया जा सके. देन फोर्थ इज, इसमें हमने बताना है दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर आल्सो. स्पीकर को इलेक्ट करते हैं. एंड इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो दीज कैन बी रिमूव्ड आल्सो. इनको रिमूव भी किया जा सकता है. ठीक है, अब एक और टॉपिक है छोटा सा, कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में बेटा सिर्फ मैन ही नहीं है, विमेन भी हैं. एंड रिजर्वेशन इज गिवन टू एससी एसटी ओबीसी ग्रुप. ठीक है, हमारी कंट्री में विमेन एससी एसटी जो है इनके लिए भी प्रोविजन है. इसका मतलब है जो ये 545 मेंबर्स है ना, ये सारे के सारे मेल नहीं है. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी क्लासेस, कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व की गई. एंड विमेन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो विमेन एमपीज. वुमेन भी एमपी हैं, विमेन भी एमएलए हो सकती हैं, विमेन भी सरपंच हो सकती हैं, विमेन भी पंच हो सकती हैं. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो किसी एक सेक्शन या किसी एक रिलीजन या किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, कलर, रिलीजियस ग्रुप्स. ठीक है, हमारी पार्लियामेंट में अलग अलग तरह के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इन दिस वे वी कैन से दैट आर पार्लियामेंट, आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? And in this way, we can say that there are the different kind of terms I have used in the chapter. ये सभी terms आपको clear होनी चाहिए. Like जब भी मैं बात करती हूँ constituency, constituency का मतलब क्या होता है, electoral area. जैसे अगर लोकसभा के election होने हैं तो पूरी country को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से डिवाइड कर देंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्सन विनर हो, दैट विल बी कॉल्ड एमपी. इसको एमपी कहा जाता है. ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन एमपी और एमएलए, ये क्लियर होना चाहिए आपको. एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट. एमपी इज मोर पावरफुल, एमएलए लेस पावरफुल. एमपी जो है वो नेशनल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. एमएलए स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? आगे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है. लोकसभा डायरेक्ट है, राज्यसभा इनडायरेक्ट है.
लोकसभा मोर पावरफुल, राज्यसभा लेस पावरफुल. लोकसभा मोर मेंबर्स, राज्यसभा हैज लेस मेंबर्स. लोकसभा फिक्स्ड नहीं है, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस. लोकसभा के मेंबर्स की टर्म कितनी है? 5 इयर्स. राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म कितनी है? 6 इयर्स. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है, अटैक हो जाता है, ठीक है. लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस, क्लियर. और हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? लोकसभा से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा में नहीं होते. प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकसभा. मिनिस्टर्स हमेशा कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकसभा, क्लियर. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बिल. बिल क्या होता है? लॉ. लॉ बनने के लिए एक बिल होता है प्रपोजल, ठीक है. बिल क्या होता है? प्रपोजल. उस बिल को लॉ बनने के लिए अलग अलग स्टेजेस से निकलना पड़ता है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड फाइनली बिल पास कब होता है? जब दैट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, जब उसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं, ठीक है. नाउ हाउ एमपी इज इलेक्टेड, अगर मैं ये पूछूं कि हाउ एमपी इज इलेक्टेड या हाउ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, तो नाउ द आंसर शुड बी क्लियर टू यू. यस.